90 का दशक और उस समय बॉलीवुड पर किसी हीरोइन या हीरो का राज नहीं था, बल्कि अंडरवर्ल्ड का राज था। और अंडरवर्ल्ड के किसी न किसी भाई का किसी न किसी एक्ट्रेस से कनेक्शन था, जैसे ममता कुलकर्णी, मोनिका मंदाकिनी जैसी कई एक्ट्रेस थी। इनकी फिल्मों में इनका हीरो कौन होगा, ये भाई लोग ही चयन करते थे। और इसी चक्कर में मिथुन चक्रवर्ती मंदाकिनी के कारण अंडरवर्ल्ड के हाथ चढ़ जाते। अगर उस समय संजय दत्त एक दूत बनकर इनके बीच नहीं आते, तो आइए बताते हैं क्या है पूरा मामला। साल 1987 से साल 1990 के बीच मिथुन ने मंदाकिनी के साथ 10 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। इनमें डांस डांस, जीते हैं शान से, कमांडो जैसी फिल्में शामिल हैं। इसी दौरान मिथुन का दिल मंदाकिनी पर आ गया और वो हर निर्माताओं से मंदाकिनी को अपनी अगली फिल्म में हीरोइन लेने की बात करते। लेकिन उस समय मंदाकिनी और दाऊद का रिलेशन था, जिस वजह से दाऊद मंदाकिनी की हर हरकत की खबर रखता था। जब उस समय मिथुन की बात का पता चला तो उन्हें यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने मिथुन को फोन करके मंदाकिनी से दूर रहने को कहा। लेकिन मिथुन ने सोचा कि कोई ऐरा गैरा भाई ने फोन किया है और बात को अनसुना कर दिया। लेकिन उन्हें गंभीरता का एहसास तब हुआ जब उन्हें लगा कि कई दिनों से उनका कोई पीछा कर रहा है। जब मिथुन ने इस बात का पता लगाया तो उन्हें पता चला कि वो पूरी तरह से माफिया के निशाने पर हैं और मौका ढूंढ रहे हैं। फिर क्या था, वो मदद के लिए संजय दत्त के पास गए, क्योंकि संजय दत्त उस समय अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के बीच ब्रिज का काम कर रहे थे। जब संजय दत्त ने भाई से बात की तो उन्होंने भाई का मैसेज मिथुन को बताया। मैसेज में था कि वो मंदाकिनी के चक्कर में ना पड़े, जान बचे तो लाखों पाए, भला मिथुन मंदाकिनी के कारण अपनी जान क्यों गवाते। उन्होंने खुद को मंदाकिनी से दूर कर दिया। इस तरह से संजय दत्त ने मिथुन को मौत के मुंह से बाहर निकाला।